मोदी साहब तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, मोदी साहब तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, मोदी साहब तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं। तमाम दिल्ली वजीर को पता करो, पता करो। तमाम दिल्ली वजीर को पता करो, पता करो। तमाम दिल्ली वजीर को पता करो, पता करो। रंगमर पार्टी लागू करो, रंगमर पार्टी लागू करो, रंगमर पार्टी लागू करो। मेयर बेचर आज लागू करो, लागू करो, लागू करो। मैं यही कहना चाहता हूं कि एलजी साहब तक जो कल मीटिंग थी, इस पर हमें बहुत ही उम्मीद थी और बड़ी एक खुशी की लहर आ रही थी कि आज मीटिंग है। हमारे बच्चों को, हमारे काटेसार परिवार को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो ही मीटिंग कैंसिल कर दी और हमें फिर लालीपॉप का दे दिया। लेकिन हम एलजी साहब तो यही कहना चाहते हैं कि कोई भी अंडर आप इशू करते हो उसको देरी नहीं करते हो, लेकिन काटेसार जो मुलाजिम है, परिवार है, इनकी क्यों देरी कर रहे हो? कौन सा ऐसा हो गया कि आपने फोन पोस्टमार्क कर दी वो मीटिंग? लेकिन आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मसले हमारे रेगुलर पॉलिसी मसले है, मिनिमम वेज एक्ट के मसले है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें धरना प्रदर्शन आने का कोई शौक नहीं है। अगर हमारे मसले हल हो जाते हैं तो हम खुशी खुशी अपना काम करें, अपनी भूमिका निभाएंगे। तो एलजी साहब जरा जो भी मीटिंग लेनी है जल्द से जल्द फैसला लीजिए, नहीं तो हम आने वाले टाइम में शुक्रवार के दिन हमारा 18 तारीख को हमारा वन डे प्रोटेस्ट है, उसके बाद हम निर्णय ले लेंगे, या मरेंगे या कुछ भी करेंगे, आर जा पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए आपने जो भी डिसीजन लेना होगा हमारे लिए कुछ भी करें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जय एलजी साहब के आगे गुहार लगाते हैं हाथ जोड़ के कि जो मीटिंग आपने पोस्टपोन किया इसको फौरी तौर पर लगाया जाए, हमारे मसले जो है ये हल की जाए, क्योंकि 60,000 जो परिवार है ये बहुत दुखी है, बहुत रासा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ इनके घर में चिराग जले और दो वक्त की रोटी मिले। एलजी साहब हमारी फरियाद सुन लीजिए, मैं आपके आगे जय हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। जय।